हे गुरु, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी यूनिवर्स 2.0। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्लैक एडम मूवी के बारे में। ब्लैक एडम मूवी आगे आने वाले दिन में फिल्म इंडस्ट्री में भूचाल लाने वाला है। इस मूवी का बजट करीब 100 से लेकर 200 मिलियन तक होने वाला है, जो इंडियन करेंसी में लगभग 1500 करोड़ रुपया में है। और तो और, ब्लैक एडम एक डीसी कॉमिक्स के एक अल्टीमेट सुपर विलेन कैरेक्टर होने वाला है, जो किसी के आगे नहीं झुकता। अब इस मूवी में ब्लैक एडम एक हीरो का रोल निभाने वाला है, तो इसलिए गुरु इस मूवी के बारे में बात करना बनता है। तो गुरु, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ब्लैक एडम एक अपकमिंग अमेरिकन सुपर हीरो मूवी है, जो ब्लैक एडम नाम के किसी डीसी कॉमिक्स कैरेक्टर से लिया गया है। ब्लैक एडम डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में एक 11वीं मूवी है, जो इस मूवी का डायरेक्टर है जॉन कॉलेट सेरा, जिसने इस मूवी के अलावा अननोन, नॉनस्टॉप, ऑर्फन और जंगल क्रूज नाम के मूवी को भी डायरेक्ट किया है। एडम स्टिगल, रोदी हेनेस एंड सौरभ नौशीरवानी, इन तीन लोगों ने मिलकर इस मूवी की पूरी कहानी को लिखा है। तो गुरु, जरा सोचो जिस मूवी की कहानी को तीन लोगों ने मिलकर लिखा है, वो मूवी कितना दमदार होने वाला है और उस मूवी की क्लाइमैक्स भी कितना दमदार होने वाला है। इस मूवी को 21 अक्टूबर 2020 में रिलीज़ किया जाएगा। तो गुरु, हमारे डोमिन जॉनसन यानी रॉक भैया के ब्लैक एडम मूवी को थिएटर में देखने जाओगे या नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ज़रूर। तो गुरु, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में।